बरेली के भोजीपुरा पुलिस और आबकारी विभाग टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भोजीपुरा दोहना स्टेशन प्लॉट के पास अभियुक्त नकली शराब फैक्ट्री का कारोबार चलाते थे, जहां पर मुखबिर की सूचना पर भोजीपुरा पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। इस दौरान तीन अभियुक्तों सहित फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में अवैध नकली शराब के पव्वे और शराब बनाने के उपकरण, साथ में चोरी का सामान भी बरामद किया, जिसमें शराब बनाने के उपकरणों की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ करने पर बताया कि नकली शराब की फैक्ट्री के मास्टरमाइंड तीन अभियुक्त और भी हैं, जो इस समय फरार हैं। वहीं पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। थाना भोजीपुरा पुलिस टीम ने दोना रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के पास से एक सटे हुए प्लॉट में नकली अपने से शराब बनाकर बिक्री करने वाले तथा चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली को लाकर उसको काट कर बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता प्राप्त की है। इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे प्राथमिक पूछताछ पे थाना भोजीपुरा के 6 मुकदमे तथा देवरनिया के 3 मुकदमे ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के खुलासा करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन अभियुक्तों से प्राथमिक पूछताछ के क्रम में 2 अन्य अभियुक्तों के नाम आए हैं, जिसमें मास्टरमाइंड नरेश चंद कश्यप और चीमा।